तो आज के इस टाइम पे आज का ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यार पूरे दुनिया में लॉकडाउन चालू है, पूरे देश में लॉकडाउन चालू है, पूरे संसार में लॉकडाउन चालू है, सब कोई घर पे बैठे। लेकिन घर पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट ना करके इफ़ आई कुड शेयर समथिंग, अगर मैं आपसे कुछ तीन चार ऐसे टिप्स शेयर कर सकता था जिसके द्वारा आप अपने घर के बैठे स्टाइल को, आप अपने होम या लाउंज स्टाइल को सुधार सकते हो, तो फिर आखिर क्यों नहीं। जेंटलमैन, इन दिस एपिसोड ऑफ मेंस एसेंशियल्स मैं चाहूँगा पहली बात तो अपने आप को सेफ रखें, लेकिन दूसरी बात अपने इस टाइम को अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने पर्सनल स्टाइल के नए जर्नी के लिए थोड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करें। देयरफॉर लेट्स डेवलप योर होम स्टाइल, लेट्स मेक यू अ लॉट मोर स्टाइलिश व्हेन यू आर एट होम। जेंटलमैन, माय नेम इज मंगल सारे, दिस इज मेंस एसेंशियल्स, लेट्स गो देयर। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि भी अपना फिजिकल और पर्सनल इंटरेक्शन बाहरी दुनिया से थोड़े दिन के लिए थोड़ा कम कर दो, कम नहीं बंद कर दो। क्यों? क्योंकि यार हमने इतने दिन तक अगर ये लॉकडाउन फॉलो कर लिया, देन आई डोंट थिंक अ फ्यू मोर वीक्स शुड बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपको बीमारी होगी, अगर आप बीमार पड़ गए, और इवन वर्स अगर आपने किसी बूढ़े जन को या फिर किसी मोर वल्नरेबल इंसान को अपनी ये बीमारी दे दी, तो फिर बहुत ही स्केरी सीन हो जाएगा, एंड वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू एनी वन। तो प्लीज़ थोड़ा एम्पति, थोड़ा इंसानियत, घर पे रहो, चिल करो। मेंस एसेंशियल्स के 800-850 वीडियोज हैं यार, देख लो सारे, आपका आराम से टाइम पास होगा, आप कुछ नया सीख लोगे, एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल बिकम अ मच बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो मुझे ले आती है आज के फर्स्ट टिप और फर्स्ट पॉइंट ऑफ द होम स्टाइल गेम। और ये फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट टिप क्या है? वेल, इज दिस अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कम्फर्ट इज बिगर देन योर स्टाइल। स्पेशली अगर आप घर पे हो, स्पेशली अगर आप घर पे अकेले हो या फिर अपने फैमिली के साथ हो, घर में आपका कम्फर्ट आपके स्टाइल स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप बाहर किसी मीटिंग में या फिर किसी पार्टीज में नहीं जा रहे, तो आपको डेनिम जैकेट या लेदर जैकेट या फिर सूट पहनना पड़े। अब मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम वेयरिंग द जैकेट, बट दिस इज नॉट रियली अ नेसेसिटी व्हेन यू आर एट होम। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप घर पे एकदम आलसी निकम्मे बन जाओ। दैट्स नॉट द गोल, दैट्स नॉट द पॉइंट। क्योंकि आप जैसा कपड़ा पहनोगे, आप अपना जैसा पर्सनालिटी, आप अपना जैसा इमेज रखोगे, वैसी आपकी सोच और वैसी आपकी करंट थॉट प्रोसेस बनेगी। इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, इफ़ यू वांट टू फील गुड, अगर आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है, अगर आपको अपने बारे में अच्छा फील करना है, स्पेशली इन दिस फेज वेयर एवरीथिंग इज शट, लॉकडाउन, क्वारंटीन एंड वॉट नॉट, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को एक पॉजिटिव आउटलुक में रखना पड़ेगा। वॉट इज वन वेरी इफेक्टिव वे टू डू इट? वेल, कीप योर सेल्फ ड्रेसिंग गुड। हाँ, घर पे सूट और लेदर जैकेट ना पहनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े ना पहनो। ऐसा कुछ कपड़ा ढूंढो जो आपके शरीर में कंफर्टेबली फिट हो, ऐसा कुछ कपड़ा ढूंढो जो आपके शरीर में थोड़ा अच्छे से फिट हो। जस्ट बिकॉज यू आर एट होम, जस्ट बिकॉज लॉकडाउन या क्वारंटीन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगली या अनअट्रैक्टिव बनना है। हाँ, बाल नहीं कटवा सकते, हाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हो, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो स्टाइल और फैशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस पर फोकस क्यों ना करें। अब मैं पर्सनली क्या रेकमेंड करूँगा, वेल आई विल रेकमेंड यू गेट एक 100% कॉटन टी शर्ट ले लो। अगर आपके पास पहले से है घर में, तो यू कैन ट्राई वेयरिंग समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि यार अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, सो आई वुड नॉट रियली वॉन्ट यू टू वेयर समथिंग हैवी। एक अच्छा सा लाइट वेट 100% कॉटन, अभी ये टीम भी बेसिक्स का जैसा आप देख रहे हो, आपके पास बेसिक्स नहीं है तो कोई भी और ब्रांड होगा, कोई भी और 100% कॉटन टी शर्ट होगा वो पहन लो।
डोंट ट्राई टू वेयर योर सिग्नेचर सीरीज एट होम, क्योंकि यार ये महंगा फैब्रिक है, अच्छा कपड़ा है, आपके बाहर जाने के लिए पार्टीज में, डेट्स में, उन सब चीज़ों के लिए आउटफिट, ये टी शर्ट उन सब आउटफिट्स के लिए अच्छा है ना व्हेन यू आर एट होम. सो व्हेन यू आर एट होम आई वुड रिकमेंड यू ट्राई वेयरिंग समथिंग इन दिस फैब्रिक 100% कॉटन, जो ज़्यादा ब्रीदेबल है, सॉफ्ट है और इस बढ़ती चुपती गर्मी में आपकी जान ना ले रहा है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आप एक खतरनाक टाइप खिलाड़ी हो जिसको अपना स्टाइल सुधारना है नो मैटर व्हाट, देन यू कैन ऑब्वियसली गेट अ बेसिक्स, यू कैन ऑब्वियसली गेट अ सिग्नेचर सीरीज ऑफ बेसिक्स. अच्छा कपड़ा है, महंगा कपड़ा, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, यू रियली वॉन्ट टू लुक योर एब्सोल्यूट बेस्ट, फील अमेजिंग एंड व्हाट नॉट, देन यू कैन ऑब्वियसली गेट द ब्लैक और दे वाइट सिग्नेचर सीरीज. क्योंकि देखो ये क्वारंटीन और कोविड तो थोड़े दिन में चल जाएगा, लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका स्टाइल ये रह जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको अपने स्टाइल और फैशन के बारे में कुछ नया जानना है, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लर्न अ फ्यू न्यू थिंग्स. दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट टाइम आप कुछ नया सीखो स्टाइल और फैशन के बारे में और अपने आप को थोड़ा और बेहतर करो कल से. इन केस आई हैवंट वॉच्ड हमारा 21 टिप वाला वीडियो कि भाई 21 दिन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे करें, ये इंडेक्स का क्लिक करके वॉच द वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस ऑन द चैनल. लेकिन हाँ, घर के टी शर्ट्स और घर के स्टाइल को इतनी आसानी से नजरअंदाज मत करो, स्पेशली इफ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट हिज ओन स्टाइल एंड इमेज. अब तीन चार कलर्स जो मैं चाहूंगा आप घर के लिए ट्राई करें, वो इसमें से एक है ब्लैक. ब्लैक इज बिकॉज ब्लैक वोंट गेट डर्टी सो इजी, आप घर में पहन सकते हैं, टी शर्ट गंदी नहीं होगी. व्हाइट इज अलॉट मोर प्रीमियम, अगर आप घर से काम करते हो तो यू कैन वेयर समथिंग इन अ व्हाइट सो दैट यू कैन फील अलॉट मोर क्लासी और फॉर्मल और अपने जोन में आके काम कर सकते हो. दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू हैव. यू कैन ऑल्सो ट्राई द कलर नेवी, क्योंकि आसानी से गंदा नहीं होता, बहुत टाइम तक चलता है, जस्ट अ नाइस कलर टू हैव. यार मेरा स्टाइल और मेरा फैशन हमेशा सेम ही रहेगा, मैं घर में पहनूं या बाहर पहनूं, मैं जो घर में पहनूंगा वही बाहर पहनूंगा, बस फिट और फैब्रिक बदल जाएगा. अगर मैं घर में 100% कॉटन पहन रहा हूँ तो मैं बाहर एक सिग्नेचर सीरीज एक प्रीमियम लाइन का टी शर्ट पहनूं. अब अगर आपको घर में बनियान या फिर स्लीवलेस या फिर टैंक टॉप्स पहनने तो आप वो भी पहन सकते हो, लेकिन मेक श्योर यू आर नॉट वेयरिंग इट वन यू आर वर्किंग. अगर आप घर से काम करते थे और अगर आप काम करते टाइम एक स्लीवलेस या फिर एक टैंक टॉप पहनते हो तो फिर आप उस प्रोडक्टिव एक फॉर्मल मूड में नहीं आते, आप एक क्रिएटिव जोन में नहीं आते, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ अगर आप घर में बैठे हो और घर से काम कर रहे हो. तो अगर आप घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन दैट जोन कि भाई मैं अपने आप को भी थोड़ा सीरियसली लूंगा फॉर सम टाइम सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग और स्टडिंग मोर इन दिस टाइम. अब ये मुझे ले आता है आज के पॉइंट नंबर या टिप नंबर टू पे, आपका शॉर्ट्स या आपका पैंट्स. अब आई एम द गाय हु लाइक्स टू वेयर अ लॉट ऑफ जॉगर्स एंड शॉर्ट्स, क्योंकि यार मुझे जॉगर्स और शॉर्ट्स पसंद है. मुझे बर्मुडा 3/4 और प्रिंटेड चेक वाले बर्मुडा 3/4 कतई पसंद नहीं, बिकॉज दैट जस्ट लुक्स वेरी अगली, वेरी हिडियस एंड नॉट एट ऑल एस्थेटिकली प्लीजिंग और स्टाइलिश इन अ मैन्स बॉडी. सो आई वुड नॉट रिकमेंड यू वेयर एनी ऑफ दोज थिंग्स एवर इन योर लाइफ एंड यू आर एट होम. ब्लैक जॉगर्स ब्लैक शॉर्ट्स, ग्रे जॉगर्स ग्रे शॉर्ट्स, नेवी जॉगर्स नेवी शॉर्ट्स, कमाल रंग है, कमाल शॉर्ट्स हैं, कमाल जॉगर्स. यू कैन ट्राई वेयरिंग दम विथ एनी टी शर्ट्स. आप एक अच्छे वेल पुट टुगेदर इंसान लाओगे, ये कुछ ज़्यादा टाइट वाइट भी नहीं है, कम्फर्टेबल है, यू कैन वर्क इन दैम, यू कैन फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू कैन लुक गुड इन द मिरर. And that's all we care, right? We want to look good. हमें अच्छा दिखना मिरर में, हमें comfortable clothing चाहिए, तो फिर अब jogger और shorts अच्छा क्या ही हो सकता है. ठीक है, तो फिर t-shirt हो गया, jogger या pant हो गया. अब चप्पल जूते का क्या करें? Well, I don't really wear anything at home. मैं घर पे कोई चप्पल जूता पहनता नहीं हूँ, लेकिन अब से मैंने ये try किया है कुछ, this is a hotel sandal. If you want, अगर आप घर में चाहो कुछ पहनने का तो फिर you can try wearing flip flops और a hotel sandal like this. क्योंकि यार ये hygienic है थोड़ा, अगर आपका shoe आपके bedroom में है, अगर आपका वार्डरोब आपके बेडरूम में, अगर आप घर में जूता पहन के घूमते हो बाहर का जूता, देन इट इज़ अ होल लॉट मोर हाइजेनिक कि भाई आप वो गंदगी अपने बिस्तर पर ना लेके जाओ. सो यू वेयर समथिंग इन योर हाउस एज वेल, अ फुटवेयर इन योर हाउस एज वेल. फ्लिप फ्लॉप्स एंड होटल सैंडल्स लाइक दिस वर्क वंडर्स. न्यू थिंग, यू कैन ट्राई इट. अगर आपके घर में शू का कोई सीन नहीं, अगर आपका जूता आपका शू रैक घर के बाहर है, देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू वेयर समथिंग लाइक दिस. क्योंकि यार मैं खुद ही कुछ नहीं पहनता ऐसे घर में, यार मैं तो ऑफिस में भी कुछ नहीं पहनता था. वी हैड दिस रूल वेयर हमें ऑफिस में घुसने से पहले हमारे शूज़ निकाल के ऑफिस में आना पड़ता था, बिकॉज आई जस्ट हैव दिस ADD और OCD या जो भी बोल दो उसको. आई जस्ट डोंट रियली लाइक वेयरिंग शूज इन माई हाउस और इन माई वर्क प्लेस. बट दैट्स मी, यू कैन पिक एंड चूज, यू हैव सैंडल्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स टू चूज फ्रॉम. अब ये मुझे ले आती है आज के टिप नंबर 4 पे, जो है भाई आपका सुगंध या दुर्गंध. हैव अ डिसेंट परफ्यूम और अ बेसिक डिओडरेंट. क्यों? क्योंकि यार आप अपने घर वालों से भी एक बदबू वाली स्मेल शेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज इट जस्ट इट्स नॉट हाइजेनिक एंड इट्स नॉट प्रॉपर. आप किसी को ऐसा टॉर्चर क्यों देना चाहते हो? जस्ट डोंट डू इट. इन केस यू समवन हु स्मेल्स अ लॉट, अगर आपके बॉडी ओडर का कुछ हो नहीं सकता, अगर आप कुछ ज़्यादा ही स्मेली हो स्पेशली गर्मी के टाइम पे, देन जस्ट यूज अ डिओड्रेंट, इट कुड बी अ स्प्रे और जस्ट अ बॉडी रोल, एंड कीप स्मेलिंग योर सेल्फ फ्रेश. मैं नहीं बोल रहा घर पर क्रीड एवेंटेज डाल के घूमो, मैं बस बोल रहा हूँ घर पर अपना बदबू दूर रखो, एंड दैट्स ऑल वी केयर अबाउट. दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक हाइजीन दैट वी शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस अबाउट.
बट लास्ट एंड डेफिनेटली द फिफ्थ फोर्थ जो भी है लिस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू स्पेशली नाउ इज योर पर्सनल हाइजीन। जनरल अगर कुछ गंदा छू रहे हो तो छूने के बाद अपना हाथ धो या फिर सैनिटाइज करो। अगर वो एक ही टी शर्ट पहन के एक ही शॉर्ट्स पहन के 10 दिन से घूम रहे हो तो प्लीज़ उसको कभी तो चेंज करो। इफ़ योर आउटफिट इज स्मेलिंग फाउल, अगर आपके कपड़े से बदबू आ रही है या फिर अगर आपके कपड़े पूरे पसीने पसीने से लथपथ हो गया, देन इट्स अबाउट टाइम यू चेंज इट, थ्रो इट एंड वेयर समथिंग एल्स, गिव इट फॉर वॉश, उसको धोने दे दो, कुछ नया पहनो, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी हाइजेनिक थिंग्स। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान अब नहीं रखोगे तो आखिर कब रखोगे? वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू ईट, वॉश योर हैंड्स अगर आप कुछ गंदा छू रहे हो, कुछ बुठा रहे हो तो प्लीज़ किसी और को कोई बीमारी मत दे दो, अपना हाइजीन का खुद से ख्याल रखना शुरू करो। क्योंकि देखो यार, ये जो होम स्टाइल या लाउंज स्टाइल की बात है ना, ये बहुत सारे लोग सीरियसली लेते नहीं है, पता नहीं क्यों, बहुत सारे जन इस पर वीडियोज भी बनाते नहीं, एंड दैट्स आई थिंक वेरी स्टूपिड एंड अंडररेटेड, बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आर टाइम्स इन। अब पहले के टाइम पे लोग पजामा कुर्ता और ये सब पहनते थे, अभी थिंग्स आर इवॉल्व्ड एंड वी हैव चेंज, इफ़ यू कैन वेयर समथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक इट, वेयर इट एंड इट विल बी अ होल लॉट मोर ब्रीदेबल एंड रिलैक्सिंग फॉर यू। पर यार मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू टॉक अबाउट, इन केस यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोज ऑन दिस टॉपिक, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको और भी वीडियोस देखने ऐसे इस चैनल पे तो भाई मेंस एसेंशियल्स से, अगर आपको अच्छे से कपड़े पहनने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने आपके लिए, जैसे कि ना ये वाइट सिग्नेचर सीरीज और एनी अदर एपिक टी शर्ट्स दैट यू कैन पॉसिबली एवर हैव, देन यू कैन गो टू teambasics.com एंड गेट योरसेल्फ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल टी शर्ट्स यू कैन एवर हैव। एनीवे मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, ध्यान रखना, ख्याल रखना अपने आप को, प्लीज़ 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 इस टाइम में थोड़ा सेफ रखना, वॉच ऑल दी अदर वीडियोज, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, जय हिंद, टेक केयर।